सुनो मेरे बच्चों, आज फिर आप उसी रिश्ते में फंस चुके हो ना, जिस रिश्ते ने आपको बहुत दर्द दिया था। जो दर्द देता है वो अपना कैसे हो सकता है मेरे बच्चों? क्यों फंस जाते हो उसी रिश्ते में बार बार? क्यों नहीं समझते? मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप निकलना तो चाहते हो उस रिश्ते से, परंतु निकल नहीं पा रहे हो ना। तो सुनो मेरे बच्चों, उस रिश्ते को एक साथ नहीं, धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो। वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जो तुम्हें दर्द देता हो वो कैसे होगा तुम्हारा? मेरे बच्चों, ईश्वर के सिवा अपना कोई नहीं होता है, सिर्फ ईश्वर ही अपना होता है। तो क्यों उसकी राह से भटक जाते हो? अपनी श्रद्धा, अपना प्यार ईश्वर को दो ना, जिसका परिणाम भी मिले तो वो अच्छा मिले। तो मत भटको मेरे बच्चों, कोई किसी का नहीं होता है। ये जग है मेरे बच्चों, यहाँ कोई किसी का नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारा हाल पूछेंगे। आज तुम्हारे पास अगर इज्जत है तो तुम्हारे पास लोग भी आके बैठेंगे। अगर तुम्हारे पास इज्जत नहीं है तुम्हारी, तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, हंसी और उड़ाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप से मतलब रखो, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, इज्जत कमाओ, भक्ति भाव कमाओ, जो अंतकाल तक तुम्हारा साथ देगा। कभी धन दौलत अंतकाल तक साथ नहीं देती है, मैं मानता हूँ मेरे बच्चों। पैसे की ज़रूरत होती है इस दुनिया में, परंतु मेरे बच्चों, पैसा ही हर कुछ नहीं होता। इसलिए मत भटको, अपने ईश्वर के प्रेमी बनो, उससे प्रीत लगाओ, इन रिश्ते में मत उलझो। ये रिश्ते तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने व्यापार पर ध्यान दो। मेरे बच्चों मत भटको, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। कोई भी काम करो, मेरा एक बार नाम जरूर लो। अगर वो काम नहीं हो तो मुझे मत भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा काम नहीं होगा और तुम हार जाओगे। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। सिर्फ एक बार और प्रयास करो, फिर एक बार और प्रयास करो, अवश्य ही जीतोगे। ये तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो और अपने साईं पर विश्वास रखो।